नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात में जहां एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1090 1076 व मिशन शक्ति हेल्पलाइन योजनाएं चलाकर नारी सुरक्षा पर जोर दिए हुए हैं, वहीं आज भी कुछ ऊंची मानसिकता के व्यक्ति घर में बेटी पैदा होना अभिशाप समझते हैं। ऐसे ही एक मामला जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील व सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर कस्बे का सामने आया है, जहां कस्बा निवासी मीनाक्षी पुत्र राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उसकी शादी राजीव कुमार गुप्ता के साथ हुई थी। ससुराली जनों द्वारा पीड़िता के साथ गाली गलौज मारपीट व जान से मारने की धमकी सहित दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर बीते 28/12/2020 को स्थानीय थाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। वही पीड़ित मीनाक्षी व भाई विजय कुमार गुप्ता द्वारा आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल से विवेचक मैथिली शरण द्वारा 20,000 की मांग पूरी न होने पर विवेचना के दौरान दो व्यक्तियों के नाम निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। किस गांव निवासी? ग्राम शाहजहांपुर थाना सट्टी। ऐसा क्या मामला हुआ जो आईजी साहब के यहाँ आप गए थे? सर, कई दिनों से मुकदमा ये लिखा गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। किस चीज का मुकदमा लिखा गया? दहेज एक्ट का 498 और बैंड के साथ मारपीट भी कर दी गई, जिसकी वजह से हम यहाँ कप्तान के यहाँ भी दौड़ते रहे। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि ये इसमें कोई नाम ना निकाले जाए, फिर भी जाँचकर्ता मैत्री शरण जी ने नाम निकाल दिए। इतनी बड़ी दबंगई मैत्री शरण जी की चल रही है यहाँ पर कि नाम उनके कप्तान साहब के आश्वासन के बावजूद भी नाम निकाल दिया गया। क्या कोई पैसे डिमांड की थी? इस पैसे तो डिमांड हुई थी, पैसे न दे पाने पर ही तो नाम निकाले गए हैं। पैसे इन्होंने मांगे हमसे, पैसे कितने पैसे मांगे? 20,000 रुपया मांगा गया। 20,000 रुपया जब नहीं दे पाए तो इन्होंने हमें चार्जशीट की, 3 महीने हो गए आज से, 3 महीना होता जा रहा, चार्जशीट अभी भी नहीं पहुंची है कोर्ट। जब हमने पता लगाया चार्जशीट पहुंची कि नहीं पहुंची, तो मैसी शरण जी ने रुपए की डिमांड जो की थी उसमें फिर ये पता चला कि दो लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं, नंदोई बहन के, जो नंदोई उनके नाम, उनके नाम क्या है? नीशु गुप्ता और उसके बहन का नाम नहीं ध्यान है, नीशु गुप्ता है, प्रीति हैं, इनके नाम निकाल दिए। मैथिली शरण जी से जब हम लोगों ने जानकारी की जाकर के, तो वो बदतमीजी से पेश आए, कहें तुम्हें क्या बता दें हम, जाइए आप जो करना करो जा करके इस बात। मगर वहाँ से भी कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला आज तक। 2021 को गए थे साहब के यहाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई जांच आई है, ना कुछ हुआ है। सर, मैं मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ कि इस पे तत्काल कार्रवाई कराएं, सभी मीडिया वालों से विनती है हमारी। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी गुप्ता। किस गांव का निवासी है? शाहजहांपुर कानपुर देहात। अच्छा, आपके ससुराल कहाँ है? ग्राम बतारा। क्या मैटर हुआ है सर? वो आप आई जी के यहाँ गए जी, वो दहेज मांग को लेकर मैंने प्रार्थना पत्र लगाया था, उस सिलसिले में आई जी साहब के पास भी गई थी। पहले यहाँ ऐसा ही हल्का इंचार्ज हमारे मैथिली शरण है, तो उन्होंने मतलब हम लोग गए, मेरे भाई भी गए थे, 20,000 रुपये मांगे कि मतलब किस बात के? वो सर वो आरोपी हैं दो, मेरे ननद और नंदोई, उनके नाम निकाल दिए। क्या नाम है उनका? निशु गुप्ता, प्रीति गुप्ता। अच्छा, तो उनके नाम उन्होंने निकाल दिया। हाँ, 20,000 रुपये की डिमांड करी, मैंने मना कर दिया, तो उसके चलते उन्होंने नाम ही निकाल दिए। अब पुलिस क्या कह रही है? कुछ नहीं, उस सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की। हाँ, 3 महीने बाद, अभी लगाई भी नहीं है, अभी यहीं, हाँ यहीं पे मतलब डली हुई है। कितने मुलजिम थे उसमें? उसमें सास है, ससुर है, और जेठ जेठानी, ननद नंदोई। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट।